हेलो एवरीवन वेलकम टू न्यू वीडियो इस वीडियो में जो आज का लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 354 था उसका सेकेंड प्रॉब्लम जो था मैक्सिमम ब्यूटी ऑफ एन एरे आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ सो so, हमें क्या गिवन था एक एरे इंटीजर एरे नम्स गिवन था और एक इंटीजर वैल्यू के गिवन थी ठीक है और हमसे क्या बोला गया था तो हमारे पास एक एन लेंथ का इंटीजर एरे है एन लेंथ इंटीजर एरे जिसे नम्स बोला गया है ठीक है और एक इंटीजर एरे वैल्यू के भी गिवन थी हमारा मेन मकसद क्या था हम एक ऑपरेशन में इन वन ऑपरेशन हम किसी भी इंडेक्स को चूज कर सकते थे चूज एनी इंडेक्स एंड उसकी वैल्यू को या तो हम उसमें से माइनस के कर लेते या उसमें प्लस के ऐड कर देते ठीक है ये दो ऑप्शन थे हर एक वैल्यू इंडेक्स के लिए ठीक है हर एक इंडेक्स के लिए क्या कर सकते थे उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसमें या तो के का एडिशन कर देते या के की सब्ट्रैक्शन कर देते उस वैल्यू में से और मेन मोटिव हमारा क्या था मेन मोटिव और गोल आप बोल दो सो so, जो हमारा मेन गोल था वो था हमें मैक्सिमम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम वैल्यूज़ जो हम जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम सेम वैल्यू हम कितने जनरेट कर सकते हैं ये हमसे पूछा गया था ठीक है तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ओके okay, अब आते हैं अप्रोच की तरफ ये अगर इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको करना था देन द प्रॉब्लम आपका बहुत ईजी हो जाता एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पे के ऊपर बेस्ड है ये प्रॉब्लम सो so आप देखो हर एक वैल्यू के लिए आपके पास सपोज कर लेते हैं एग्जांपल मैं फर्स्ट टेस्ट केस ले लेता हूँ सो फर्स्ट टेस्ट केस जो था वो उसमें फोर सिक्स वन टू थे ठीक है एंड के की वैल्यू टू थी ऑब्वियसली आप हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेम वैल्यूज फाइंड करने हैं ठीक है थीके? तो इसमें ऑर्डरिंग से कोई मतलब नहीं है एरे के ऑर्डरिंग से एरे के ऑर्डरिंग से कोई मतलब नहीं पड़ेगा फोर सिक्स वन टू वन टू सिक्स फोर सिक्स टू वन फोर ये सारे एरे मुझे सेम आंसर देंगे ठीक है तो ऑर्डरिंग से जब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ लेता है तो उसमें आपको सॉर्ट कर देना चाहिए ठीक है जनरल एडवाइस क्या पता हमें फ्यूचर में कुछ काम हो कुछ एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उस टाइम पे हमेशा इफ़ेक्टिव क्या होता है सॉर्टेड एरे में आप कोई भी अप्रोच को कुछ भी करना होता है आपको तो वो आप एफिशिएंटली कर सकते हैं अब आ जाते हैं इस फोर सिक्स वन टू सपोज हमने शॉर्ट कर लिया तो कुछ ऐसा बन जाएगा अरे अब हमारे पास ऑप्शन क्या है इस वन को हम चेंज कर सकते हैं लाइक like अगर टू हम क्या कर सकते हैं के ऐड कर सकते हैं किसी वैल्यू में या सब्ट्रैक्ट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस वन ऐड करेंगे थ्री इस टू के लिए क्या रेंज होगी इस टू के लिए रेंज होगी ज़ीरो फोर इस फोर के लिए रेंज होगी टू कॉमा सिक्स एंड इस सिक्स के लिए रेंज होगी फोर कॉमा एट सो इसमें हमें क्या फाइंड करना है उस वैल्यू को चूज़ करेंगे जो वैल्यू सबसे ज़्यादा ये सपोज़ कर लेते हैं रेंज है वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रेंज में आ रही है किसी भी ठीक है किसी भी नहीं मैक्सिमम रेंज में जो वैल्यू आ रही है तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है फाइंड एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही सेम हो जाता है फाइंड पॉइंट वेअर मैक्सिमम रेंजेस आर वेर मैक्सिमम रेंजेस आर ओवरलैपिंग सो ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ रेंज ओवरलैप कर रही हैं उतना ही हमारा काउंट हो जाएगा है ना जितनी रेंज ओवरलैप कर रही है सो so, वो पॉइंट जहाँ पे वो कर रही हैं वो हमारा पॉइंट हो जाएगा और कितने रेंज वहाँ पे मैक्सिमम कितने रेंज ओवरलैप कर रहे हैं वो काउंट हमें रिटर्न करना पड़ेगा सो so, इस प्रॉब्लम के ऊपर ही बेस था ये वाला प्रॉब्लम ठीक है हमें बस फाइंड करना था वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम रेंज अपडेट हो रही है मतलब ओवरलैप हो रही है तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ क्या होती है हम एक एरे बनाते हैं जिसमें हम हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हर एक वैल्यू के लिए होगा सो स्टार्टिंग पॉइंट पे हम क्या करते हैं समथिंग लाइक दिस ए ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस कर देते हैं इसका मतलब है यहाँ से एक रेंज स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे रेंज खत्म होती है ना ए ऑफ एंड प्लस वन ऑफ एंडिंग तक ये रेंज रहेगी एंड प्लस वन पे ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं इसका ये बता रहा है कि हमारी एक रेंज खत्म हो चुकी है ठीक है अब इस पर हम प्रिफिक्स सम यूज़ करते हैं तो प्रिफिक्स सम हमें देता है कि मैक्सिमम कितने रेंजेस अभी करेंटली आईथ पॉइंट पे हैं ठीक है इसको अभी एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से सो so, ये वाला एग्ज़ाम्पल जो था वन टू फोर सिक्स मैंने आपको बताया कि हमें एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें हम कुछ ऐसा करेंगे स्टार्ट पॉइंट पे प्लस प्लस करेंगे एंड प्लस वन पॉइंट पे माइनस माइनस करेंगे फिर बाद में एक लूप हमारा रन होगा आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एंड वहाँ पे कुछ प्रिफिक्स हम से कुछ तो करेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है वहाँ पे पहुँचने से पहले लाइक like वन के लिए जो रेंज है वो माइनस वन कॉमा थ्री है फॉर के इक्वल टू टू वन के लिए जो रेंज है जिसमें वैल्यू लाई कर सकती है वो माइनस वन से थ्री के बीच में है ठीक है माइनस वन को थ्री है या तो इसकी वैल्यू को माइनस वन कर सकता हूँ या थ्री कर सकता हूँ ठीक है अब बात यहाँ पे क्या आ जाती है बात आ जाती है कि नेगेटिव तो कभी इंडेक्स हो ही नहीं सकता है आपने बोला कि एक एरे बनाने के लिए नेगेटिव तो कोई इंडेक्स हो ही नहीं सकता है तो नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल और यहाँ पे कंस्टेंट अगर आप देखते तो हमारे पास ऐसा कुछ क्यों था जो भी हमारी नमसाई की वैल्यू है वो जीरो से लेके कर टेन की पावर फाइव के बीच में है ठीक है तो सपोज कर लेते हैं के की वैल्यू भी टेन की पावर फाइव तक है जीरो से लेके सो सपोज कर लेते हैं कि के की वैल्यू टेन की पा फाइव रहती है तो एंड कोई एक नमसा ही है जिसकी वैल्यू जीरो है तो उस केस में नमसा ही माइनस के आपका क्या हो जाएगा माइनस टेन की पा फाइव तो ये इंडेक्स मैं जनरेट कर ही नहीं सकता ये तो एक इनवैलिड इंडेक्स है सो so, इस चीज से बचने के लिए आप क्या करेंगे आप पहले ही प्रिकॉशन करेंगे एक मिनिमम वैल्यू आप कर लेंगे जहाँ से अगर मैं के रिमूव भी कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहेगी ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे हम ऐड के टू ऑल वैल्यूज अगर मैं के एड कर देता हूँ सारी वैल्यूज़ के में तो तो लाइक रेंज पे कितना मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग रेंज कितनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैपिंग रेंज उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ को मैंने एक कॉन्स्टेंट के से अपडेट किया है ऐड किया है उसमें ठीक है लेकिन इससे मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा किसी भी वैल्यू में से सपोज़ पहले x थी कोई वैल्यू उसको मैंने x प्लस के कर दिया है तो अब मेरे पास करेंटली ये वैल्यू है इसमें से अगर मैं k रिमूव करता हूँ तो भी मुझे x मिलेगा एंड नम साई कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं है तो इसलिए नेगेटिव इंडेक्स का लोचा ख़त्म सो नेगेटिव इंडेक्स का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है कैसे सॉल्व हुआ है सारी वैल्यूज को अपडेट कर दो एक्स को एक्स प्लस के लिए सारे आई बोल देते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को एरे की सारी वैल्यूज में ऐप के ऐड कर दो वो आपकी न्यू एरे हो गई है ठीक है अपडेटेड वही मानना है कि वही आपको इनपुट मिली है ठीक है अब अब हर सारी वैल्यू के लिए आपके पास कुछ ना कुछ रेंज आएगा जो भी अपडेटेड एरे है आपका अपडेटेड एरे उसमें हर एक तो ये बोल देते हैं न्यू नम्स इस न्यू वाले एरे के लिए दो वैल्यूस आएंगी न्यू नम्स ऑफ आई माइनस के एक बार जब आप के रिमूव करेंगे दूसरी वैल्यू आएगी जब आप इसमें के का एडिशन करेंगे ठीक है और हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम कितनी ओवरलैप रेंज ओवरलैप कर रही हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरलैपिंग रेंज ओवरलैपिंग रेंज एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे कितनी ओवरलैप कर रही हैं ठीक है थीके, ये करने के लिए अगर जिसको नहीं पता है ये स्टैंडर्ड वे है ठीक है स्टैंडर्ड वे क्या है आप एक एरे बनाइए जिसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है जहां तक आपको चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन प्लस टू साइज का एरे बनाइए क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन साइज का एरे तो बनाना ही पड़ेगा लेकिन इस वाले केस में हम क्या करते हैं इस वाले में लॉजिक क्या होता है जो भी आप एरे बना रहे हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे आप प्लस प्लस कर दीजिए इसका मतलब है यहाँ से एक रेंज स्टार्ट हो रही है और ए ऑफ एंडिंग पॉइंट प्लस वन माइनस माइनस करना है यहाँ पे एंडिंग तक तो वो रेंज रहेगी एंडिंग प्लस वन पे वो रेंज खत्म हो जाएगी इसलिए मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ सो सपोज मैक्स वैल्यू स्टोर करने के लिए ये इंडेक्स चाहिए सो मैक्स वैल्यू प्लस वन तक मुझे जाना है तो इसलिए मैक्स वैल्यू प्लस टू साइज का एरे बनेगा मैक्स वैल्यू जो मेरे हो सकती है नम साई प्लस के की ठीक है इस साइज का मेरा एरे बनेगा मैक्स वैल्यू प्लस टू साइज का अब हर एक वैल्यू के लिए हर एक नमसाई जो भी अपडेटेड नमसाई था उसके लिए मैं स्टार्ट पॉइंट एक बनाऊंगा एक एंड पॉइंट बनाऊंगा और यही चीज करूंगा ए ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस सो मेरा एक न्यू एरे बना इतने साइज़ का मैक्स वैल्यू प्लस टू मैक्स वैल्यू जो होगा वो होगा मैक्स ऑफ नमसाई प्लस के जितने भी नमसाई पॉसिबल हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ हर एक नमसाई के लिए हर एक आईथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हर एक वैलिड इंडेक्स के लिए मैं ये कर रहा हूँ जो भी उसकी स्टार्ट वैल्यू है वहाँ पे प्लस प्लस कर दे रहा हूँ मतलब यहाँ से रेंज एक स्टार्ट हो रही है ए ऑफ एंड प्लस वन माइनस माइनस कर देता हूँ यहाँ पे ख़त्म हो रही है एक रेंज ठीक है अब सपोज जो हमारा प्रॉब्लम था वन टू फोर सिक्स इसको अकेज टू सो मेरा जो न्यू एरे फॉर्म होगा उसमें मैंने पहले ही टू एड कर लिया सारे एलिमेंट्स में तो ये हो जाएगा थ्री फोर ये सिक्स एट सो so, ये मेरा न्यूअर है इस पर हम जो भी चीज़ करेंगे करेंगे अब इस थ्री के लिए मेरे पास क्या रेंज आ रही है स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है रेंज का थ्री माइनस टू वन थ्री प्लस टू फाइव इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है फ़ोर माइनस टू टू फोर प्लस टू सिक्स इसके लिए आ रहा है सिक्स माइनस टू फोर सिक्स प्लस टू एट इसके लिए आ रहा है एट माइनस टू सिक्स एट प्लस टू टेन सो ये सारी वैलिड रेंजेस आ गई अब इसमें से देखो मैक्स वैल्यू तो यही है किसी भी जो जहाँ तक हमें जानी है सो so, हमारा जो न्यू एरे फॉर्म होगा वो फॉर्म किस साइज़ का होगा मैक्स वैल्यू प्लस टू का so, सो केस में टेन प्लस टू सो ट्वेल्व साइज का एरे हमारा फॉर्म होगा जिसमें सारी वैल्यूज इनिशियली ज़ीरो होंगी देन हम क्या करेंगे हमने क्या बोला था हमारे पास ये ट्वेल्व साइज का एरे है लेट मी मेक इट ये हो गए फोर ये हो गए एट और ट्वेल्व uh, बनाने के लिए ये हो गया नाइन एंड अस टेक थ्री यहाँ पे और सो so, मैं यहाँ पे ट्वेल्व साइज का एरे बना रहा हूँ ट्वेल्व साइज़ का एरे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देन वी नीड थ्री वन टू थ्री ट्वेल्थ साइज का एरे हो गया अब मैं क्या करूँगा ट्वेल्थ साइज का मेरा ये एरे हो गया इंडेक्सिंग अगर कर दें इनकी तो ये ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड एलेवेन फर्स्ट हम क्या करेंगे ए ऑफ वन प्लस प्लस इनिशियली सभी की वैल्यू ज़ीरो होगी सभी की वैल्यू ज़ीरो होगी मैं दूसरे कलर से सभी पूरे एरे में सभी इंडेक्स पे जो भी है वैल्यू जीरो ही रहेगी फिर हम क्या करेंगे अपडेट करना चालू करेंगे फर्स्ट हमारा ये अपडेट होगा ए ऑफ वन प्लस प्लस सो वन की वैल्यू जीरो से चेंज होकर वन हो जाएगी नेक्स्ट ए ऑफ फाइव एंड हमारा फाइव पे है हमें क्या करना है ए ऑफ एंड प्लस वन माइनस माइनस सो ए ऑफ एंड एंड फाइव है सो फाइव प्लस वन माइनस माइनस तो ये वैल्यू माइनस वन हो जाएगी अभी हम देखेंगे कि काम कैसे करता है बहुत ही बहुत ही प्यारा है ये ठीक है इसको आप भूलिएगा मत इसको रिमेंबर रखिए याद रखना है ठीक है नेक्स्ट क्या है इसके लिए आए ऑफ टू प्लस प्लस सो ऑफ टू वन पे अपडेट हो गया ये एंड हो रहा है सिक्स पे सो so हम क्या करेंगे ए ऑफ़ एंड प्लस वन माइनस माइनस सो सिक्स प्लस वन इज सेवन सेवन माइनस माइनस सो जीरो माइनस वन करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा इसको फिर अपडेट करेंगे ए ऑफ फोर प्लस प्लस सो ये प्लस वन हो गया एंड ये एंड कहाँ पे हो रहा है एट पे तो एट प्लस वन नाइन में से हम रिमूव कर देंगे मतलब माइनस माइनस करेंगे सो so यहाँ पे वैल्यू माइनस वन आ गई सिमिलरली यहाँ पे क्या है सिक्स ए ऑफ सिक्स प्लस प्लस अब देखिए सिक्स माइनस वन था अब इसमें प्लस प्लस करूँगा तो ये वैल्यू चेंज हो के क्या हो जाएगी ये वैल्यू चेंज के ज़ीरो हो जाएगी माइनस वन प्लस वन क्या होता है ज़ीरो अब यहाँ पे एन डी ए टेन पे हो रहा है तो ऑफ इलेवन माइनस माइनस सो ये नेगेटिव वन हो जाएगा सो so ऐसा कुछ मेरे पास एरे आ गया लेकिन ये कुछ बता नहीं रहा कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम वो रेंज सॉरी 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 मैक्सिमम रेंज ओवरलैप करेंगे यस सो ओवरलैप ही याद नहीं आ रहा था सो so, लिटरली अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको प्रिफिक्स सम का यूज़ करना है प्रिफिक्स सम हमें क्या बताएगा प्रिफिक्स सम आप फाइंड करोगे तो वो बताएगा आई पॉइंट पे कितने सबेरेज हैं नंबर ऑफ सबेरे जो ओवरलैप कर रहे हैं देखते हैं अभी आपको पता चल जाएगा अभी हम आए स्टार्ट किया हमने ज़ीरो से इनिशियली एक वेरिएबल ले लो टोटल विच इज़ ज़ीरो ये टोटली बताएगा आइथ इंडेक्स लाइक आइथ वैल्यू के लिए कितनी आइथ पॉइंट पे कितने वैल्यूज ओवरलैप कर रहे हैं कितने रेंज ठीक है इनिशियली टोट ज़ीरो है टोटल वैल्यू आपने ऐड किया जीरो से स्टार्ट किया जो भी वैल्यू है ऐड किया ठीक है सो अभी ज़ीरो प्लस जीरो जीरो ही रहता है सो इसका मतलब है ज़ीरो वाले वैल्यू पे ना एक भी रेंज अपडेट नहीं है मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है नेक्स्ट आए यहाँ पे आप अब आपकी टोटल की वैल्यू हो गई है वन इसका मतलब है यहाँ पे एक रेंज ओवरलैप कर रहा है और हम देख भी सकते हैं ये वाला ये वाली जो वैल्यू है वो वहाँ पे ओवरलैप करेगी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आए टू वो पॉइंट है फिर से हमारा टोटल अपडेट के क्या हो जाएगा टू हो जाएगा टू हो गया सो so, टू क्या बता रहा है ये पॉइंट अगर मैं चूज़ करता हूँ तो दो दो वैल्यू है जहाँ पे दो रेंज है जो अपटे दो रेंज वो कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ ओवरलैप ही भूल ना भूल जा रहा हूँ सो दो रेंज यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं और मैं देख भी सकता हूँ ये और ये दो रो, दो रेंज है जो पॉइंट टू पे ओवरलैप कर रहे हैं ठीक है सिमिलरली थ्री पे क्या रहेगा थ्री पे टोटल वैल्यू टू ही रहेगी क्योंकि जीरो है वहाँ पर फोर जब मैं आऊँगा ना तब टोटल वैल्यू थ्री हो जाएगी और मैं देख भी पा रहा हूँ ये तीनों रेंज फोर पॉइंट पे ओवरलैप कर रहे हैं सो so, इसीलिए लिए थ्री हो गया यहाँ पे टोटल का वैल्यू नेक्स्ट फाइव के लिए भी थ्री रहेगा सिक्स के लिए भी थ्री रहेगा जब मैं सेवन पे जाऊँगा ना सेवन पे जाते ही क्या हो जाएगा ये सेवन पे जाते ही ये हो जाएगा टोटल की वैल्यू हो जाएगी टू क्योंकि मैं वहाँ पे नेगेटिव वन ऐड कर रहा हूँ ठीक है मतलब मैं बोल रहा हूँ एक रेंज यहाँ पे ख़त्म हो गई है और मैं वो मैं देख भी पा रहा हूँ कौन सी रेंज वहाँ पे ख़त्म हुई है ठीक है वहाँ पे जो रेंज खत्म हुई है वो ये वाली है ठीक है आई डोंट नो लेकिन मैंने यहाँ पे सिक्स यस सिक्स का ज़ीरो हो गया था कोई नहीं ठीक है सेवन पे सॉरी सेवन पे जो रेंज खत्म हो रही है वो ये है ये वाली रेंज यहाँ पे ख़त्म हुई थी लेकिन सिक्स पे एक अपडेट भी था इसलिए ज़ीरो हो गया था कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो, तो टोटल की वैल्यू टू हो जाएगी फिर यहाँ पे आएंगे तो टोटल की वैल्यू टू ही रहेगी यहाँ पे टोटल की वैल्यू वन हो जाएगी फिर यहाँ पे टोटल की वैल्यू वन ही रहेगी फिर यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी तो ये बता रहा है कि कौन से पॉइंट पर कितने हमारे जो रेंज है वो ओवरलैप कर रहे हैं ठीक है फिर से ओवरलैप भूल गया था सो so, यहाँ पे जो मैं मैक्सिमम देख सकता हूँ वो ये है टोटल इक्वल टू थ्री वो कौन से पॉइंट पे है वो इस वाले पॉइंट पे है और यही मेरा आंसर भी है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम तीन रेंज ओवरलैप कर रही हैं और मुझे फाइंड भी करना है कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग रेंज सो हमारा आंसर आ जाएगा थ्री ऐसे ही हम सबके लिए करेंगे तो हमें करना क्या है हमें अपने एरे को फर्स्ट अपडेट करना है सभी वैल्यूज़ में एक्स प्लस के जहाँ पर एक्स क्या है करेंट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी इससे करना है ताकि हम नेगेटिव वैल्यू को अवॉइड कर सकें नेगेटिव इंडेक्स ना आए हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करेंगे सभी वैल्यूज़ को ट्रैवर्स करेंगे न्यू एरे में ट्रैवर्स करेंगे न्यू एरे में ट्रैवर्स करेंगे एंड उनका एक स्टार्ट पॉइंट होगा एक एंड पॉइंट होगा वो फाइंड करेंगे और हमें करना क्या है एक हमें एक और एरे फाइंड बनाना है वो एरे स्टोर क्या करेगा डिटेल स्टोर करेगा कहाँ पे कौन सी रेंज स्टार्ट हो रही है सो so, ये न्यू एरे जो आपने बनाया है वो रेंज के डिटेल स्टोर करने के लिए उसको आपने रेंज नाम दे दिया सो रेंज ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस स्टार्टिंग पॉइंट पे आप बोलोगे प्लस प्लस कर दो मतलब यहाँ से एक रेंज स्टार्ट हो रही है एंड जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे ये कर देना है रेंज ऑफ एंड प्लस वन माइनस माइनस क्योंकि एंड तक तो वो रेंज रहेगी एंड प्लस वन पे वो रेंज खत्म हो जाएगी इसीलिए ये चीज़ कर देना है आपको आपके पास एक एरे आ जाएगा अब आपको प्रीफिक्स सम निकालना है प्रीफिक्स सम फाइंड करते जाओ तो आइथ इंडेक्स और आइथ वैल्यू पे जो भी प्रीफिक्स सम होगा वो बता रहा होगा कि आइथ वैल्यू पे नंबर ऑफ ओवरलैपिंग रेंज कितने हैं नंबर ऑफ ओवरलैपिंग रेंज एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी भी आई इंडेक्स पे वो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है दैट्स ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम अगर कोई भी डाउट हो इस प्रॉब्लम को लाइक ये टेक्निक जो है ना लाइक जिसमें आप स्टार्ट प्लस प्लस करते हो एंड एंड प्लस वन माइनस माइनस ये आपको कई अगर पॉइंट यहाँ पर पूछा होता वो पॉइंट बताओ तो भी पॉइंट भी हम निकाल सकते थे इसके लिए हमें हमें क्या मिला ये फोर पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है जहाँ पे रेंज सो पॉइंट भी निकाल सकते हैं और काउंट भी मतलब कितने रेंज हमारे ओवरलैप हो रहे हैं ठीक है तो ये एक बहुत ही प्यारा एल्गोरिथम है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना ओके दैट्स ऑल थैंक यू बाय